नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, दो आर्टिकल से हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की हम बात करें अगर, तो यहाँ एडिटोरियल बताने वाला हूँ मैं, अ डे बाय द सी, ये फर्स्ट एडिटोरियल है आज का। तो ये हम डिस्कस करेंगे, 11th of October का है, और इसमें जो भी वर्ड्स हैं और जो भी द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, उसके जो वर्ड्स हैं वो तमाम चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप एडिटोरियल एक्सेस करना चाहते हैं, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करना चाहते हैं, पर डे दो एडिटोरियल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड आप करेंगे, 199 का पैकेज है, जिसमें आप 3 months के एडिटोरियल सेशंस प्राप्त कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। और उनके जो वर्ड लिस्ट होती है, वोकैबुलरी होती है, वो आपको प्राप्त हो जाती है उसी वीडियो के सामने। तो चलिए बात करते हैं इस सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप शेयर करें मैक्सिमम, ताकि और लोग जो तलाश में हैं कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, कैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश को सीखा जाए, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती है आपको। वोकैबुलरी मिलता है, ट्रांसलेशन मिलता है, करंट अफेयर्स डेफिनेटली अपडेट होता है, साथ ही आपको ग्रामर के रूल्स जो भी होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो देखिए, अ डे बाय द सी, सी समुद्र को बोलते हैं और समुद्र से पहले द लगता ही है, याद रखिएगा। समुद्र, इस सी का अर्थ, अगर समुद्र यात्रा होता है तो फिर आप उस कंडीशन में द नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सी का मतलब समुद्र है तो फिर द लगाते हैं। अ डे बाय द सी, और बाई यहाँ पे इसलिए है कि नज़दीक के अर्थ में बाई का प्रयोग है। बाई का मतलब द्वारा भी होता है, बाई का प्रयोग समय से पहले होता है तो तक के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है समुद्र के नज़दीक, एक दिन समुद्र के नज़दीक, ठीक है। पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट जी नीड टू गो बियॉन्ड वुहान। वुहान है वो चाइना का शहर है जहाँ पे पहली अनौपचारिक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी चाइना के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और अब चूँकि आज की बात है, अभी तो देखिए उनकी मुलाकात हो भी गई है, चेन्नई में उनकी मुलाकात होना प्रस्तावित था। सुबह का जो न्यूज़पेपर है, सुबह की जो न्यूज़ है, पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट जी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जी, नीड एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाला क्रिया जो है वो प्लूरल आती है। इस कारण से नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो प्लूरल ही होती है। तो उन्हें आवश्यकता है दोनों को ही, टू गो बियॉन्ड वुहान, कि वुहान वाले जो मीटिंग थी उससे परे जाएं, उससे आगे निकलें, ठीक है। स्टेबलाइज टाइज, स्टेबलाइज का मतलब है स्थिर करना, ठीक है, लिख लीजिएगा। टाइज का मतलब है संबंध। एट ए मोमेंट ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल चर्न इन द ग्लोबल सिस्टम, और संबंधों को स्टेबलाइज करें, स्थिरता दें। एट ए मोमेंट, एट ए मोमेंट उस क्षण पर, ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल चर्न, ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, पॉलिटिकल राजनीतिक, चर्न का मतलब है टर्बुलेंस, उथल पुथल को कह सकते हैं, टर्बुलेंस को या एजिटेशन को बोल सकते हैं। इन मतलब में, द ग्लोबल सिस्टम मतलब वैश्विक जो सिस्टम है, तो दोनों को आवश्यकता है, दोनों ही नेताओं को आवश्यकता है कि वो संबंधों को स्थिर करें उस मोमेंट पर जब ग्लोबल सिस्टम जो है उसमें राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उस दौर में। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट्स, होस्ट यहाँ पे मेज़बानी करने के लिए है, होस्ट का ऑपोजिट गेस्ट होता है, होस्ट यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है। तो एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट चाइनाज प्रेजिडेंट जी जिनपिंग एट ममलापुरम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द चेन्नई। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र, ठीक है, बाहर के क्षेत्र को आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, तो जब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेज़बानी करेंगे किसकी, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की, कहाँ पर, ममलापुरम पर। ममलापुरम क्या है, ममलापुरम स्थान का नाम है, और ये आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, चेन्नई से थोड़ा सा बाहर के एरिया में पड़ता है। फॉर अ सेकेंड इनफॉर्मल समिट, ये दूसरी इनफॉर्मल अनौपचारिक समिट, शिखर वार्ता है, समिट का मतलब शिखर वार्ता को बोलते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक है, एडजेक्टिव है। तो ये दूसरी शिखर वार्ता है बिटवीन द टू लीडर्स, किनके बीच, इन दोनों नेताओं के बीच। द क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें पता है दोनों नेता कौन कौन से हैं, नरेंद्र मोदी की बात है, जी जिनपिंग की बात है, जब डेफिनेट होता तो द का प्रयोग हम करते हैं, दो की बात है इसलिए बिटवीन का प्रयोग है। तो दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी इनफॉर्मल समिट है, ठीक है। इट इज़ बाउंड टू बी डिफरेंट, बाउंड टू बी जब दे रखा होता है इसका मतलब सर्टेन है, श्योर है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो इट इज़ बाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सच एंगेजमेंट लास्ट ईयर इन वुहान सेंट्रल चाइना।
तो निश्चित रूप से ये अलग होगी, द फर्स्ट सच एंगेजमेंट, जो पहले ऐसा ही एंगेजमेंट देखने को मिला था। द फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है इसलिए द है। आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे द क्यों नहीं है, अ सेकंड दे रखा है। तो देखिए जब सीक्वेंस में बाद वाले की बात करें तो उसके लिए द लगाते ही हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले, लेकिन इसको इसने कुछ अनजान के रूप में व्यक्त किया है, अनिश्चितता के रूप में व्यक्त किया है, एक दूसरे बातचीत है, दूसरे तरह की मीटिंग है ना, तो इस कारण से। और ये जो है पहली प्रकार की मीटिंग है, निश्चित है, डेफिनेट है, इस कारण से द का प्रयोग है। तो ये कह रहा है जो पहला ऐसा ही एंगेजमेंट देखने को मिला था, सच का मतलब ऐसा, एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे है कि दोनों नेताओं ने बातचीत की थी, उस एंगेजमेंट से, उस पहले एंगेजमेंट से बिल्कुल अलग होने की पूरी पूरी संभावना है, निश्चित है कि अलग होगा। लास्ट ईयर इन वुहान सेंट्रल चाइना, पिछले साल ये मीटिंग हुई थी। और याद रखिएगा लास्ट के साथ कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ रहता है, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उससे पहले प्रेपोजिशन जनरली नहीं लगाते हैं। और जनरली इन, ऑन और एट, इससे परहेज आपको करना है। सिंस लग सकता है, लेकिन इन, ऑन या एट, ये तीन प्रेपोजिशन नहीं लगते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो पिछले साल ये वुहान में हुई थी मीटिंग, और वुहान कहाँ पर है, सेंट्रल चाइना का पार्ट है। फॉर वन द सी साइड पाओवाओ, पाओवाओ क्या है, पाओवाओ का मतलब डिस्कशन कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो, मिलना या बातचीत, चर्चा। फॉर वन एक के लिए, द सी साइड का मतलब समुद्र किनारे, ममलापुरम की बात है, पाओवाओ इन ममलापुरम। तो जो ये मीटिंग है, जो डिस्कशन के लिए जो मीटिंग की गई है, विल बी समवॉट शॉर्टर देन द लेक साइड चैट इन वुहान, विल बी समवॉट शॉर्टर, ये होगी समवॉट कुछ शॉर्टर, थोड़ी सी मतलब छोटी होगी मीटिंग, किसकी तुलना में, शॉर्टर डिग्री कंपेरेटिव इसलिए देन है। द लेक साइड चैट इन वुहान, चैट का मतलब बातचीत, जो वुहान में बातचीत हुई थी झील के किनारे, लेक साइड बातचीत हुई थी, झील के किनारे बातचीत हुई थी, उससे थोड़ी सी छोटी मीटिंग होगी, ठीक है। फिर देखिए, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विल बी इन ममलापुरम फॉर बेयरली 24 आवर्स, बेयरली का मतलब मुश्किल से, ना के बराबर, नेगेटिव शब्द है, और बेयरली, हार्डली, स्केयर्सली, इनके साथ में जनरली नोट नहीं लगता, याद रखिएगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है। राष्ट्रपति जी जिनपिंग जो है वो ममलापुरम में होंगे फॉर बेयरली 24 आवर्स, मुश्किल से 24 घंटे के लिए वहाँ पे होंगे। इट इज़ नो सीक्रेट, इट इज़ यह है, नो सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं है इस बात में, सीक्रेट का मतलब रहस्य, दैट प्रेजिडेंट जी हैज़ रीजन्स टू बी प्रीऑक्यूपाइड। प्रीऑक्यूपाइड का मतलब है कि विचारों में लीन होना, पहले से ही सोच विचार में डूबा रहना। तो इट इज़ नो सीक्रेट, इसमें कोई रहस्य नहीं है, दैट कि प्रेजिडेंट जी, कि प्रेजिडेंट जिनपिंग जो हैं, हैज रीजन्स, उनके पास कारण हैं, हैज है प्रेजिडेंट सिंगुलर, इस कारण से हैज रखने के सेंस में यहाँ पे है, रीजन्स का मतलब कारण, टू बी प्रीऑक्यूपाइड, कि वो सोच में डूबे हुए हैं, कोई इसमें कोई सीक्रेट वाली बात भी नहीं है, निश्चित रूप से होंगे सोच में डूबे हुए। थैंक्स टू द वायलेंट टर्न इन द परसिस्टेंट प्रोटेस्ट, अब ये थैंक्स टू ऐसे बीच में लगता है, इसका मतलब है, इसका कारण ये है, इसका श्रेय इसको है, क्यों ये ऐसे मतलब सोच में डूबे हैं, क्यों इनको सोचने पे मजबूर हो गए हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है वायलेंट टर्न इन द परसिस्टेंट प्रोटेस्ट। वायलेंट का मतलब ऐसे हिंसक, टर्न का मतलब क्या है, टर्न का मतलब मोड ले लिया है, एक हिंसक मोड ले लिया है, इन द परसिस्टेंट प्रोटेस्ट इन हांगकांग। परसिस्टेंट का लगातार, प्रोटेस्ट का मतलब जो विरोध है ना, तो लगातार परसिस्टेंट एडजेक्टिव है और प्रोटेस्ट है वो नाउन है। तो लगातार जो विरोध चल रहा था हांगकांग में, उसने वायलेंट टर्न ले लिया। द एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, साथ में एक और कारण है सोच में क्यों डूबे हुए हैं, तो ये एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ता हुआ, एस्केलेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी भी क्रिया से पहले, किसी भी नाउन से पहले अगर आप क्रिया लगाते हैं तो वह एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है, क्रिया वर्बल एडजेक्टिव एक्चुअल में कहलाती है, और आईएनजी फॉर्म में अगर आती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, ट्रेड वॉर जो है उससे पहले एस्केलेटिंग है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एस्केलेटिंग का बढ़ता हुआ। तो एस्केलेटिंग जो ट्रेड वॉर है, बढ़ता हुआ जो ट्रेड वॉर है यूनाइटेड स्टेट्स के कारण के साथ में, यूएस के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स से पहले देखिए द लगता है। जनरली किसी भी देश के नाम से पहले हम द नहीं देखते हैं, लेकिन वो देश जिसके पहले, जिसके साथ यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम द का प्रयोग देखने में मिलता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है, बढ़ता हुआ ट्रेड वॉर है, उसके कारण वो सोच में डूबे हुए हैं। एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइनीज इकोनॉमी, और जो इसका नकारात्मक प्रभाव है, इट्स किसका, ये ट्रेड वॉर के लिए आया है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव भी है, नेगेटिव नकारात्मक इम्पैक्ट प्रभाव, इम्पैक्ट के साथ ऑन, जो भी प्रभाव वाले शब्द होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस हो, इफेक्ट हो, इम्पैक्ट हो, इन सब में ऑन लगता है, नाउन के रूप में है ना।
ऑन द चाइनीज इकोनॉमी, चाइना की अर्थव्यवस्था पर। मोर ब्रॉडली, इससे भी अधिक व्यापक, इससे भी अधिक वृहद स्तर पर अगर बात करें, द हालो ऑफ इनएविटेबिलिटी अराउंड चाइनाज राइज। हालो का मतलब वैसे होता है आभामंडल, कोई भी सम्मानित व्यक्ति है उसका जो आभामंडल है उसको बोलते हैं। द हालो ऑफ इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मतलब है अपरिहार्य, कि निश्चित रूप से ऐसा होना ही है, अवश्यम भावी, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो इनएविटेबिलिटी जो है यहाँ पे नाउन के रूप में है, ठीक है। तो इनएविटेबिलिटी अराउंड चाइनाज राइज हैज़ बिगन टू फेड अबिट, फेड का मतलब फीका पड़ना, अबिट का मतलब थोड़ा बहुत। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक इनएविटेबिलिटी थी कि चाइना का उदय होगा, चाइना प्रोग्रेस करेगा, चाइना लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, चाइना को रोकने वाला कोई नहीं है, ये इनएविटेबिलिटी बनी हुई थी, है ना। इसका जो हालो है, इसका जो आभामंडल है चाइना के राइज का, अब धीरे धीरे क्या कर दिया, धीरे शुरू हो गया है टू फेड अ बिट, धीरे धीरे फीका पड़ने लग गया है आभामंडल, इसकी गति जो है, रफ्तार जो है वो धीमी पड़ने लग गई है, अबिट का थोड़ा बहुत। इफ़ मोदी वेंट टू वुहान विद एन आई, आई ऑन का मतलब यहाँ पे है नज़रें बनाकर, है ना। आई का मतलब ऐसे आँख, और आँखें आपने किसी चीज़ पर लगा रखी है, इसका मतलब आपकी नज़रें उस चीज़ पर बनी हुई है। तो इफ़ मोदी वेंट टू वुहान, तो यदि मोदी वुहान गए थे विद एन आई ऑन द इम्पेंडिंग पोल्स लास्ट ईयर, इम्पेंडिंग का मतलब कि जो होने ही वाला है, जो क्या कहें, इमिनेंट है, जो अबाउट टू हैपन है, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। पोल्स का मतलब चुनाव, लास्ट ईयर का मतलब पिछले वर्ष। तो मोदी जब वुहान गए थे, जब उनकी नज़रें थी आने वाले चुनावों पर, ही इज स्ट्रॉन्गर एट होम टुडे हैविंग रिटर्न्ड विद अ बिगर मेजोरिटी। आज वो घर पर, मतलब भारत में, एट होम का मतलब भारत के लिए है, स्ट्रॉन्गर का मतलब वो मजबूत हैं, और अधिक मजबूत हैं, हैविंग रिटर्न्ड विद अ बिगर मेजोरिटी, क्योंकि वो लौटे हैं बिगर मेजोरिटी, पिछले टर्म की तुलना में अधिक अच्छा बहुमत इनको मिला है। बिगर बड़ा, अधिक बड़ा, डिग्री कंपेरेटिव है, मेजोरिटी बहुमत, है ना। हैविंग रिटर्न्ड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ऐसा करने के बाद, ये इसका मीनिंग है। बट मोदी हैज़ प्रॉब्लम्स टू, लेकिन मोदी जी के पास समस्याएं भी है। तो टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको इम्फेसाइज करना हो, जिस पर आपको स्ट्रेस डालना हो। ही इज स्ट्रगलिंग टू पुट इंडिया बैक ऑन ए हाई ग्रोथ पाथ। ही नरेंद्र मोदी के लिए है, इज स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे हैं, टू पुट इंडिया बैक, फिर से भारत को लाने के लिए, ऑन ए हाई ग्रोथ पाथ, हाई मतलब उच्च, ग्रोथ मतलब वृद्धि, पाथ मतलब रास्ता, तो उच्च वृद्धि के रास्ते पर फिर से लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिज बोल्ड मूव, उनका जो साहसिक कदम है, बोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, हिज बोल्ड मूव पजेसिव एडजेक्टिव है ये वाला, और ये भी एडजेक्टिव है, तो हिज बोल्ड मूव, उनका जो एक साहसिक कदम है ऑन कश्मीर को लेकर, हैज जनरेटेड कंसिडरेबल इंटरनेशनल कंसर्न। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो उसने, उनके जो मूव है, ये मूव के को देखकर यहाँ पे हैज़ लग रहा है, सब्जेक्ट इसका बोल्ड मूव है, हैज़ जनरेटेड कंसिडरेबल इंटरनेशनल कंसर्न। कंसिडरेबल का मतलब है, मतलब कुछ हद तक अच्छी मात्रा में कह सकते हो, ये इसने इंटरनेशनल चिंता को जन्म दिया है, इससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता काफ़ी हद तक बढ़ी हैं, जनरेट हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। वाइल इज डिप्लोमेसी हैज़ मैनेज टू पुट अ लीड ऑन इट फॉर नाउ, जहाँ उनकी डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति, किसकी कूटनीति, डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति है, नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है, हैज़ मैनेज्ड, उसने जैसे तैसे करके मैनेज कर रखा है, टू पुट अ लिड, लिड का मतलब ढक्कन लगाना, कवर करना कह सकते हो, कि अब अच्छा ढक रखा है इट इसको, किस चीज़ को, जो चिंता है कश्मीर को लेकर, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, तो अभी तक डिप्लोमेसी के कारण, कूटनीति के कारण उस पर ढक्कन जरूर लगा रखा है। दिल्ली इज़ नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, दिल्ली यहाँ पे भारत के लिए इज़ नॉट येट, येट का मतलब है अब तक भी, आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है मुश्किल से बाहर, है ना, अभी भी मुसीबतों से बाहर नहीं है दिल्ली, मतलब भारत अभी मुसीबतों से बाहर नहीं निकल पाया है। बोथ लीडर्स मतलब दोनों नेता, कौन कौन, नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग, देन तब या फिर, नीड टू पुट असाइड सम ऑफ ही द ट्राइम्फलिज्म दैट हैज़ एनवेलॉप्ड द नेशनल सेंटिमेंट इन बोथ कंट्रीज। इनको आवश्यकता क्या है, पुट असाइड का मतलब एक तरफ रख दें, सम ऑफ द ट्राइम्फलिज्म, ट्राइम्फलिज्म का मतलब होता है जो भी जीत का भाव इनमें है, ट्राइम्फलिज्म, है ना, क्योंकि जिनपिंग भी फिर से राष्ट्रपति बने हैं चाइना के, और यहाँ पे मोदी भी फिर से आए हैं, और इन पर तो फिर भी ट्राइम्फलिज्म का भाव है कि यहाँ पे कश्मीर में बोल्ड मूव इन्होंने दिखाया है। तो दोनों लीडर्स को आवश्यकता है कि पुट असाइड, वो एक तरफ रख दें सम ऑफ द ट्राइम्फलिज्म, कुछ ट्राइम्फलिज्म का भाव है, जीत का भाव है, दैट हैज़ एनवेलॉप्ड, वो भाव जिसने, दैट यहाँ पे ट्राइम्फलिज्म के लिए है,
जिसने एनवेलॉप का मतलब ढक रखा है, एनवेलॉप का मतलब कवर कर रखा है, एनवेलॉप वैसे लिफाफा होता है लेकिन यहाँ पे इसका क्रिया के रूप में प्रयोग है, तो इसने ढक रखा है द नेशनल सेंटीमेंट, राष्ट्रीय भावना को इन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों में। एंड लुक एट स्टेबलाइजिंग बायलेटरल टाइज, और इनका आवश्यकता है कि वो देखें, लुक एट देखें, किस चीज़ को देखें, एट है तो प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, स्टेबलाइजिंग का मतलब है स्थिर करने पर ध्यान दें, स्थिर करें क्या, बायलेटरल टाइज द्विपक्षीय संबंध, बायलेटरल द्विपक्षीय टाइज संबंध एट ए मोमेंट ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल चर्न, ये हेडलाइन में हमने पढ़ा था, उस क्षण जब पॉलिटिकल चर्न है, राजनीतिक उथल पुथल है इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। इफ द पॉलिटिकल स्पिन अबाउट द वुहान स्पिरिट, यदि स्पिन का मतलब देखिए कहानी बनाना भी होता है कह सकते हो, या स्पिन का घुमाना भी हो सकता है, तो यदि पॉलिटिकल राजनीतिक जो स्पिन है अबाउट द वुहान स्पिरिट, जो वुहान स्पिरिट के बारे में, वुहान स्पिरिट का मतलब है कि वुहान में जो बातचीत हुई और उससे जो भावना पैदा हुई, जो इनके संबंध थोड़े से डिटेरियोरेट जो हो रहे थे वो फिर से ट्रैक पे आए, उसको वुहान स्पिरिट कह सकते हो, उसकी जो वाइब्स थी, वुहान स्पिरिट की जो वाइब्स थी, है ना। तो इफ द पॉलिटिकल स्पिन अबाउट द वुहान स्पिरिट, तो यदि राजनीतिक जो बातें हैं, स्पिन का मतलब कहानी गढ़ने को भी बोलते हैं, तो राजनीतिक जो बातें हैं वुहान स्पिरिट के बारे में फार एक्सीडेड द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट, फार एक्सीडेड का मतलब बहुत आगे निकल गई है, एक्सीड का मतलब बहुत ज़्यादा होना, जितना आवश्यक हो उससे अधिक होना, द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट, जो परिणाम थे पहली इनफॉर्मल समिट के, पहली अनौपचारिक बातचीत के, उससे कहीं ज़्यादा निकल गए हैं, द टू साइड्स मस्ट रेसिस्ट, तो दोनों साइड्स को, भारत और चाइना को, रेसिस्ट का मतलब रोकना होगा, मस्ट यहाँ पे करना ही पड़ेगा इस सेंस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए आया है, तो दोनों साइड्स को रोकना ही पड़ेगा, द टेम्पटेशन, जो प्रलोभन है, जो लालच है, टू हाइप अप द आउटकम्स एट ममलापुरम, कि ममलापुरम पे जो आउटकम्स का मतलब परिणाम, हाइप अप का मतलब एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट है कि दोनों की बातचीत होगी, कुछ नया निकल कर आएगा, चाइना भारत का सपोर्ट करेगा, दोनों देश आगे बढ़ेंगे, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान के साथ जो प्रगाढ़ता है संबंधों की, वो कुछ हद तक फिर से डरने शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब जनमानस में एक्साइटमेंट है, तो वो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा जो रेसिस्ट करेंगे, जो प्रलोभन है ना एक्साइटमेंट का, ये टेम्पटेशन ही एक्चुअली में एक तरह का, कि भाई आउटकम कुछ अच्छा निकल कर आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा, उसको ज़रूर ये रेसिस्ट करेंगे ममलापुरम में। इंस्टीड इसकी बजाय दे ओट टू रिकग्नाइज, उनको क्या करना चाहिए, ओट टू जो है मॉरल एडुकेशन के लिए आता है, नैतिक शिक्षा के लिए आता है, उनको, किनको, इन दोनों नेताओं को क्या चाहिए कि वो रिकग्नाइज करें, पहचाने, दैट द प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेशंस हैव गॉटन मैसियर सिंस वुहान, कि दोनों देशों के बीच जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो जब वुहान में वो मिले थे उसके बाद से मैसियर हुई है, मैसियर का मतलब और अधिक घटिया हुई है, और अधिक बदतर हुई है, डिटीरियोरेट हुई है, है ना। फिर से देखिएगा क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब यहाँ पे हैव है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, इस कारण से गॉटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बिटवीन इसलिए कि दो देश हैं, ठीक है, सिंस वुहान, सिंस यहाँ पे निश्चितता के लिए है कि फर्स्ट इन्फॉर्मल मीटिंग हुई तो निश्चित समय अवधि है, तो इसके लिए मैसियर का मतलब है अधिक बदतर हुई है, अधिक घटिया हुई है, वर्स हुई है। नन ऑफ द बिग इश्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिल्ली, नन ऑफ द बिग इश्यूज, पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया कह सकते हो, दिल्ली का मतलब भारत से अर्थ है इसका, कि नन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आते तो इश्यूज़ का प्रयोग है, तो कोई भी बड़ा मुद्दा भारत की तरफ से, द लार्ज ट्रेड डेफिसिट इन फेवर ऑफ चाइना, दो बहुत बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना के पक्ष में, है ना, द लार्ज ट्रेड डेफिसिट, लार्ज का बड़ा ट्रेड व्यापार डेफिसिट, घाटा इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना के पक्ष में, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीजिंग्स डिपेंडिंग अलायंस विद इस्लामाबाद, और कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, किसके, बीजिंग का मतलब चाइना, डिपेंडिंग का मतलब गहरा होता हुआ, अलायंस का मतलब गठबंधन, इस्लामाबाद का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान के साथ जो प्रगाढ़ता है, इसके संबंध जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उनकी बात हैव ईज्ड, तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ से देखिएगा इस चीज़ को, कि नन ऑफ द बिग इश्यूज़, बड़े जो इश्यूज़ हैं दिल्ली की नज़र से, उनमें से कोई भी मुद्दा, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं भारत के दृष्टिकोण से, जैसे कि लार्ज ट्रेड डेफिसिट चाइना के पक्ष में, है ना, फिर इस्लामाबाद से दूरियां जो मतलब प्रगाढ़ता है उसकी बात, उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आसान नहीं हुई है। अब देखिए नन ऑफ द वाले केस में वैसे तो सिंगुलर नाउन वर्ब लगती है, लेकिन प्लूरल वर्ब भी अलाउ होती है नन ऑफ द वाले केस में, याद रखिएगा, इसी कारण से हैव ईज्ड है। मीनवाइल इसी दरमियान, द वाइडनिंग पावर गैप बिटवीन द टू नेशंस, वाइडनिंग का मतलब गहरा होता हुआ, पावर गैप का मतलब शक्ति का जो अंतराल है बिटवीन द टू नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच, टिल्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर, टिल्ट्स का मतलब झुकता है,
टिल्ट का थोड़ा सा झुक जाना, द बैलेंस ऑफ पावर ऑन द डिस्प्यूटेड बाउंड्री। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब टिल्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर, मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर है शक्ति का संतुलन है थोड़ा सा झुक जाता है, किस बात पर, डिस्प्यूटेड बाउंड्री को लेकर, जो विवादास्पद बाउंड्री है, सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच उसको लेकर, एंड इन द रीजन अगेंस्ट इंडिया, और उस क्षेत्र में जो भारत के खिलाफ है उस क्षेत्र को लेकर। फिर से देखिएगा, मीन वाइल इसी दरमियान द वाइडनिंग पावर गैप बिटवीन द टू नेशन, दोनों राष्ट्रों के बीच में पावर गैप तो बहुत ज़्यादा है, चाइना बहुत शक्तिशाली हो चला है, तो ये कह रहा है वाइडनिंग पावर गैप बिटवीन द टू नेशंस। अब ये जो पावर गैप है वो टिल्ट झुक जाता है, द बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है डिस्प्यूटेड बाउंड्री पर, मतलब ठीक है शक्ति का संतुलन है लेकिन टिल्ट कर देता है, झुका देता है जब बात आती है डिस्प्यूटेड बाउंड्री की, विवादास्पद सीमा विवाद की, और इन द रीजन अगेंस्ट इंडिया, और भारत के जो खिलाफ जो क्षेत्र है उसमें, दिल्ली एफर्ट्स मतलब भारत के जो प्रयास हैं टू कंपनसेट फॉर दिस इम्बैलेंस, कंपनसेट का मतलब भरपाई करना है, यहाँ पे वैसे मुआवजा देना भी होता है, तो भारत के जो प्रयास हैं इसको भरपाई करने का, फॉर दिस इम्बैलेंस, इस असंतुलन की भरपाई करने का, थ्रू क्लोजर टाइज विद द US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, रॉयल बीजिंग, किसके द्वारा करना चाहता है भारत, अधिक प्रगाढ़ संबंधों से, है ना, क्लोजर का मतलब अधिक नज़दीक, टाइज का मतलब संबंध, किसके साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये सब चीज़ें हैं वो चिढ़ाती हैं बीजिंग को, इरिटेट करती हैं, अनोय करती हैं, राइल का मतलब है इरिटेट करना, अनोय करना, ये चाइना को परेशान करती है चीज़। व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल एज द सेइंग गोज स्टॉप डिगिंग, ये एक देखिए फ्रेज है, एक कहावत है कि जब आप खुद खतरे में हो, आप खुद मुसीबत में हो, तो वो काम जो काम कर रहे हैं उसको करना बंद कर दीजिए, ठीक है, किसी काम को लेकर अगर आप खतरे में हैं तो उसको बंद कर दीजिए। सेइंग का मतलब कहावत, तो ये कह रहा है एज द सेइंग गोज, जैसे कि कहावत में है कि जब आप खुद मुसीबत में हैं तो आप उस चीज़ को करना छोड़ दीजिए, ये इसका भावार्थ है, लिटरल मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। मोदी एंड जी नीड टू रीअश्योर, मोदी और जी को आवश्यकता है कि वो आश्वस्त करें, रीअश्योर का मतलब फिर से आश्वस्त करें ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर इसलिए है कि दो की बात जब करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, दैट दे विल नॉट अलाउ द रिलेशनशिप टू स्लाइड फर्दर, स्लाइड का मतलब खिसकना, गिरना, कि वो जो हैं दोनों नेता वो रिलेशनशिप को अब और अधिक, फर्दर का मतलब आगे, गिरने नहीं देंगे। सेकंड, दूसरा, द टू लीडर्स मस्ट फाइंड वेज, दोनों नेताओं को क्या करना पड़ेगा, रास्ते खोजने पड़ेंगे, हल निकालना पड़ेगा, टू एडवांस द डायलॉग ऑन द बाउंड्री डिस्प्यूट, कि वो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है सीमा विवाद है उस पर बातचीत आगे बढ़ाएं, एडवांस द डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत, दोनों देशों के बीच बातचीत, एडवांस का आगे बढ़ाएं बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नेटवर्क अग्रीड एट वुहान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेमवर्क अग्रीड एट वुहान टू कीप पीस ऑन द बॉर्डर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब विश्वास बढ़ाने वाला, बिल्डिंग बनाना, विश्वास बढ़ाने वाला फ्रेमवर्क, जो भी ढांचा था, अग्रीड एट वुहान, जो कि बात हुई थी वुहान में, तो उस समय एग्री हो गए थे, एग्री किस बात पर हुए दोनों नेता, टू कीप पीस ऑन द बॉर्डर, कि वो सीमा पर शांति बनाए रखेंगे, आफ्टर द कन्फ्रंटेशन इन डोकलाम, कन्फ्रंटेशन का मतलब मुठभेड़ है ना, कन्फ्रंटेशन का मतलब मुकाबला, डोकलाम में आमने सामने आ गए दोनों सेना, ड्यूरिंग द समर ऑफ 2017, 2017 की गर्मियों की ये बात है, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, मस्ट नाउ बी फॉलोड बाई एन अर्ली हार्वेस्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑन बाउंड्री सेटलमेंट, मस्ट नाउ बी फॉलोड, अब इस चीज़ को क्या है फॉलो किया जाना चाहिए, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए, बाई एन अर्ली हार्वेस्ट, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब जल्दी से हम नतीजे निकाल लें, हार्वेस्ट का वैसे फसल की कटाई करने को बोलते हैं, तो फसल एक्चुअली हमारा परिणाम होता है, तो हम जल्दी से परिणाम निकालें, प्रैक्टिकल स्टेप्स व्यवहारिक कदम चलकर, ऑन बाउंड्री सेटलमेंट को लेकर व्यवहारिक कदम चल के हम इसका परिणाम निकाल लें। थर्ड इज़ टू एक्सप्लोर एवेन्यूज़, एवेन्यूज़ का मतलब होता है क्षेत्र। तीसरा ये है, एक्सप्लोर का मतलब खोजें, वो क्षेत्र खोजें फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल कमर्शियल कॉपरेशन, म्यूचुअली परस्पर बेनिफिशियल लाभदायक कमर्शियल वाणिज्यिक कॉपरेशन का मतलब है सहयोग। तो तीसरा ये है कि वो क्षेत्र भी हम खोजें जो म्यूचुअली एडवर्ब है LY लग रखा है, बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, कमर्शियल कॉपरेशन ये कंपाउंड नाउन है ना, कमर्शियल वैसे तो एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो ये कहना चाह रहा है कि तीसरा है इज टू का मतलब ऐसा काम करना है, बाकी है पेंडिंग है, तो तीसरा काम ये है कि ऐसे क्षेत्र खोजें जो परस्पर कमर्शियल कॉपरेशन के लाभदायक हों, है ना, वाणिज्यिक सहयोग के लिए। द मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल अनेकों प्रॉब्लम्स समस्याएं बिटवीन इंडिया एंड चाइना दोनों देशों के बीच में कैंट बी फिक्स्ड इन अ डे, वो हल नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी फिक्स्ड, फिक्स का मतलब यहाँ पे सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम को, इन अ डे एक ही दिन में, एट ममलापुरम एक दिन में मीटिंग हो गई सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं हो सकता।
बट स्मॉल एंड प्रैग्मेटिक स्टेप्स, लेकिन बट लेकिन स्मॉल छोटे एंड प्रैग्मेटिक, देखिएगा एंड के पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव है, एंड दोनों तरफ बैलेंस करेगा। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल स्टेप्स, लेकिन छोटे स्टेप्स और प्रैग्मेटिक स्टेप्स कैन रीस्टोर ए मेजर ऑफ ट्रस्ट। वो क्या कर सकते हैं, वो फिर से मेजर ऑफ ट्रस्ट मतलब जो कदम है ट्रस्ट का जो कदम है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, है ना, विश्वास के कदम को रिस्टोर पुनर्बहाल कर सकते हैं बिटवीन द टू गवर्नमेंट, दोनों सरकारों के बीच। एंड कार्व आउट ए पाथ, कार्व आउट ए पाथ मतलब ऐसा रास्ता बना सकते हैं, कार्व आउट का मतलब वैसे खुद मेहनत से एफर्ट से कोई काम करने को बोलते हैं, तो एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, स्थिरता की ओर जो जाए, दैट बोथ नीड, जो दोनों का आवश्यकता है, दोनों देशों का आवश्यकता है सो बैडली, इतना ज़्यादा एट दिस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कंजंक्चर, कॉम्प्लेक्स का जटिल, ग्लोबल का वैश्विक, जंक्चर का मतलब जो अभी मामले की स्थिति है, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो फिलहाल एक बहुत वैश्विक संकट बैठा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोनों को ही। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल सेशन, अब हम बात करते हैं फ्रंट पेज से एक आर्टिकल द हिंदू की। तो ये है हिंदू का फ्रंट पेज का आर्टिकल, इसका टाइटल दे रखा है ट्रेड बॉर्डर डिस्प्यूट लाइकली टू डोमिनेट मोदी जी टॉक्स। बात मुद्दा वही है, लेकिन आप समझिएगा एडिटोरियल कितना कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी की न्यूज़ कितनी आसान होती है। तो एडिटोरियल पढ़ने से किस हद तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है ये आपको समझना है, इसीलिए मैंने दोनों आर्टिकल सेम लिए हैं। ट्रेड का मतलब व्यापार, बॉर्डर सीमा, डिस्प्यूट विवाद, व्यापार और सीमा का विवाद, लाइकली टू का मतलब संभावना है इसकी, डोमिनेट का मतलब छाए रहेंगे प्रभावी रहेंगे, मोदी जी टॉक्स इन दोनों की बातचीत में। तो मोदी और जी की जो बातचीत होगी उसमें ये मुद्दे, व्यापार वाला मुद्दा, व्यापार का जो डिस्प्यूट है और बॉर्डर का डिस्प्यूट है, ये मुद्दे छाए रहेंगे डोमिनेट रहेंगे। नो जॉइंट स्टेटमेंट MOUs और अग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर इनफॉर्मल समिट। तो ये कह रहा है नो जॉइंट स्टेटमेंट, नो मतलब नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट संयुक्त वक्तव्य, MOUs एंड अग्रीमेंट्स, है ना, एग्रीमेंट सहमति कोई भी, आर एक्सपेक्टेड इनकी कोई मतलब संभावना नहीं है, नो दे रखा है इसलिए आर एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस तो है ही, तो इनकी कोई आशा नहीं है आफ्टर इनफॉर्मल समिट मतलब अनौपचारिक बातचीत के बाद में, समिट का मतलब ये मिलन जो है इनका मीटिंग है इसके बाद में, तो इस अनौपचारिक मीटिंग के बाद में कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आने वाला, कोई यहाँ पे MOUs नहीं मिलने वाले और एग्रीमेंट्स यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, ट्रेड इश्यूज़ जो व्यापारिक मुद्दे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बाउंड्री सीमा डिस्प्यूट्स विवाद हैं, एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय कॉपरेशन का सहयोग आर एक्सपेक्टेड, इनकी संभावना है टू डोमिनेट द इनफॉर्मल समिट, कि ये इनफॉर्मल समिट अनौपचारिक जो बातचीत है अनौपचारिक मीटिंग है इसमें छाए रहेंगे डोमिनेट करेंगे। कहाँ पर, एट ममलापुरम, अभी पढ़ के आए हैं ममलापुरम में, ममलापुरम कहाँ है, एज द सी साइड रिजोर्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, है ना, जो सी साइड रिजोर्ट है ये ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, चेन्नई के बाहरी साइड में है, आउटस्कर्ट्स हम पढ़ के आए हैं अभी, प्रिपेयर्स टू, ये तैयारी है इसकी टू होस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिनपिंग, कि ये इन दोनों की मेज़बानी करेगा ऑन फ्राइडे शुक्रवार को एंड सैटरडे शनिवार को, मीन्स आज और कल। मिस्टर जी विल लैंड इन चेन्नई पास्ट 2 PM, पास्ट का मतलब बाद में, मिस्टर जी जो है चेन्नई में फ्लाइट से आएंगे, लैंड करने का मतलब फ्लाइट से आएंगे चेन्नई में, कब, 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे की बात है, अबाउट लगभग 2 आवर्स आफ्टर, 2 घंटे के बाद मिस्टर मोदी के आने के 2 घंटे के बाद, ठीक है। फिर कह रहा है ही विल हेड टू द ममलापुरम, हेड टू का मतलब वो उसकी ओर जाएंगे, तो वो ममलापुरम जाएंगे, ममलापुरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ जाएंगे फॉर एन इवनिंग विद मिस्टर मोदी, एक शाम मोदी जी के साथ, ठीक है, विच विल इंक्लूड अ टूर, ये जो इवनिंग है इसमें शामिल है, इसमें शामिल होगा अ टूर ऑफ द मोन्यूमेंट्स, एक भ्रमण होगा मोन्यूमेंट्स का, स्मारकों का, एंड डांस परफॉर्मेंस, एक नृत्य प्रस्तुति होगी एट द शोर टेम्पल, शोर टेम्पल नाम है, एट सनसेट सूर्यास्त पर, फॉलोड बाय डिनर, और उसके बाद में डिनर होगा, फॉलोड बाय का मतलब इसके बाद जो एक इवेंट है वो डिनर होगा साथ में, ऑन सैटरडे को, दिनों के नाम से पहले उन लगता है, द टॉक्स विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड, ये जो बातचीत है वो अधिक स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर्ड का मतलब ढांचागत, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स पर आधारित होगी, एंड विल इंक्लूड टाइम फॉर अ वन ऑन वन मीटिंग, और इसमें शामिल होगा वो समय, इंक्लूड शामिल होगा टाइम, वन ऑन वन का मतलब है डायरेक्ट बातचीत, कोई बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट मोदी जी और केवल जी जिनपिंग रहेंगे और कोई बीच में नहीं आएगा, फॉलोड बाय डेलीगेशन लेवल टॉक्स, फॉलोड बाय
और इसके बाद क्या होगा, डेलीगेशन लेवल टॉक्स, डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल लेवल स्तरीय बातचीत, प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर बातचीत होगी। बियॉन्ड फॉर्मेलिटीज़, बियॉन्ड का मतलब के परे, फॉर्मेलिटीज़ का औपचारिकताएँ, तो औपचारिकताओं के परे, औपचारिकताएँ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। पहले ही कहा कि इनफॉर्मल समिट है। द ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है, इज टू एंश्योर, वो उद्देश्य है एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर्स, कि जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, द कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन लगकर आगे दे रखा है आपको, तो निश्चित है कम्युनिकेशन पूछेंगे कौन सा, तो आगे आपको इसका आंसर मिलेगा, इसलिए ये डेफिनेट है, तो यहाँ पे द लगेगा कि कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है दोनों लीडर्स के बीच, इज वन विच इज रूटीनाइज्ड, ये ऐसी बातचीत है जो रूटीनाइज्ड, जो रूटीन के हिसाब से है ना, मतलब कहें कि बिल्कुल सामान्य की तरह, कोई मतलब अनौपचारिकता नहीं है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है, ईजी गोइंग, बिल्कुल स्मूथ चलने वाली बातचीत, एंड इंडिकेट्स, और ये संकेत देती है दैट प्रेजिडेंट जी जिनपिंग एंड पीएम मोदी आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस इन एन इनफॉर्मल वे, कि दोनों ही जो लोग हैं, दोनों नेता हैं, गेटिंग डाउन टू का मतलब है स्टार्ट करना, बिगिन करना, या गंभीर ध्यान देना, तो बिजनेस की बात स्टार्ट करेंगे, काम की बातचीत स्टार्ट करेंगे इन एन इनफॉर्मल वे, बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से, नॉट सिंपली एट ए स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, कोई साधारणतया ऐसे नहीं, सिंपली यहाँ पे एडवर्ब फॉर्म में है, एट अ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, कोई एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का मतलब है जो एकदम बेसिक लेवल पर फंडामेंटल चीज़ों को टच करेगी, वेयर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स आर रेड आउट, स्ट्रक्चर्ड मीटिंग में क्या होता है, जहाँ पे तैयार किए गए स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, जहाँ तैयार किए गए वक्तव्य होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, रेड आउट उनको पढ़ा जाता है इन मच मोर प्रैक्टिकल वे, अधिक व्यवहारिक तरीके से, अ सीनियर ऑफिशियल, एक वरिष्ठ अधिकारी, ब्रीफिंग द मीडिया, ब्रीफिंग का मतलब है सारगर्भित तरीके से इन्होंने मीडिया को जानकारी दी अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द समिट, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, आशाएं हैं समिट को लेकर, बातचीत को लेकर, हेड से उन्होंने कहा, बोथ लीडर्स वुड बी, दोनों लीडर्स जो हैं वुड बी रिसीव्ड बाई, इनको रिसीव किया जाएगा किनके द्वारा, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के द्वारा, चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलनीस्वामी के द्वारा, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल्स हैं, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसडर टू चाइना विक्रम मिश्री, इसमें भारत के जो एम्बेसडर राजदूत हैं चाइना में जो रहते हैं विक्रम मिश्री, ये भी शामिल होंगे। देखिए एम्बेसडर राजदूत हैं लेकिन किस देश में ये हैं, किस देश में नियुक्त हैं, उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड, सिक्योरिटी फोर्सेज सुरक्षा मतलब सुरक्षा बल हैव बीन डिप्लॉयड, उनको तैनात किया गया है, फोर्सेज प्लूरल है इसलिए हैव बीन है, पैसिव वॉइस है इसलिए बीन है, डिप्लॉयड तैनात करने को बोलते हैं, अलोंग द एंटायर ईस्ट कोस्ट, एंटायर का संपूर्ण, अलोंग का मतलब सहारे सहारे, याद रखिएगा जब एक चीज़ कॉन्स्टेंट हो और दूसरा गतिशील हो तो फिर अलोंग का प्रयोग करते हैं, दोनों गतिशील होती है तो यहाँ पे अलोंग विद आता, चूँकि कोस्ट तो गति करेगा नहीं, तट तो गति करेगा नहीं, इस कारण से अलोंग है, दोनों गति करते हैं तो यहाँ पे अलोंग विद आता, तो पूरे ईस्ट कोस्ट जो पूर्वी तट है, ईस्ट कोस्ट रोड जो है लीडिंग टू द कोस्टल रिजोर्ट, जो कोस्टल रिजोर्ट की ओर जाती है, तटीय जो रिजोर्ट है ममलापुरम एक्चुअल में कहते हैं, तो वहाँ तक पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, वाले स्पेशल कोस्ट गार्ड पेट्रोल्स विल मॉनिटर, पेट्रोल्स का मतलब जो निगरानी रखने वाले, चौकसी रखने वाले जो पुलिस है वो कहते हैं, तो कोस्ट गार्ड जो पेट्रोल्स है वो मॉनिटर करेंगी द बीचेज, मॉनिटर का मतलब निरीक्षण करेंगी बीचेज समुद्र तटों का, एंड कोस्ट लाइन है ना तट लाइन का, फिर कह रहा है कि जर्नलिस्ट कवरिंग द इवेंट विल बी सिक्वेस्टर्ड एट ए मीडिया होटल, सिक्वेस्टर का मतलब अलग करना, आइसोलेट करना, जो पत्रकारों की जो कवरिंग द इवेंट, जो पत्रकार जो इस इवेंट को, इस घटनाक्रम को कवर करेंगे, विल बी सिक्वेस्टर्ड एट ए मीडिया होटल, वो अलग रखा गया है मीडिया होटल में नियर बाई नज़दीक में ही। फिर अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट्स दैट मिस्टर पलानीस्वामी पर्सनली इंस्पेक्टेड ऑन थर्सडे आफ्टरनून, ये सब बातें किसके अकॉर्डिंग है, उन व्यवस्थाओं के अनुसार है जो मिस्टर पलानीस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली एडवर्ब है, इंस्पेक्ट किया था, निरीक्षण किया था ऑन थर्सडे आफ्टरनून, गुरुवार को शाम को। नो जॉइंट स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड, अब आगे वही बात है जो आपको हेडलाइन में दी गई थी कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं मिलने वाला आफ्टर द टॉक्स, बातचीत के बाद। तो यहाँ एक तो देखिए एमओयू दे रखा है आपको, एमओयू का मतलब है यूँ कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ये एक एग्रीमेंट ही होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है उसी को, तो इसी कारण से ओल्ड लगा के एग्रीमेंट दे रखा है कि या फिर अथवा में इसको एग्रीमेंट मान लें। तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, है ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं है कि बातचीत के बाद में कोई संयुक्त वक्तव्य आएगा, ना ही नोर से अगर स्टार्ट है तो फिर इन्वर्जन लगता है। तो देखिए यहाँ पे हैव वर्ब का प्रयोग पहले है, फिर एनी एमओयूज, ना ही कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या फिर एग्रीमेंट्स बीन प्रिपेयर्ड, उनकी कोई तैयारी की गई है एज द आउटकम, परिणाम के रूप में, आउटकम का मतलब परिणाम,
ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग सेड, ये बात किसने कही, जो इस प्लानिंग में ऑफिशियल्स अधिकारी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, शामिल हैं, इन्वॉल्व्ड में इन लगता है। दे सजेस्टेड, उन्होंने सुझाया, द इंडियन साइड विल होप टू कीप डिस्कशंस, कि भारतीय साइड जो है विल होप, उनकी आशा रहेगी टू कीप डिस्कशंस, कि वो बातचीत करें ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर एट ए मिनिमम। एट ए मिनिमम मतलब न्यूनतम बातचीत हो, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर। मच विल डिपेंड ऑन द पर्सनल केमिस्ट्री, बहुत कुछ डिपेंड करेगा, डिपेंड के साथ में ऑन लगता है, और जो भी शब्द हैं जो निर्भरता संबंधी आपको संकेत देते हैं उन सब में ऑन लगता है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पर्सनल केमिस्ट्री पर, कि इन दोनों का केमिस्ट्री बीच की कैसी रहती है, बिटवीन द टू लीडर्स, इन दोनों नेताओं के बीच में। से ऑफिशियल्स, ये अधिकारियों ने कहा, हु एक्सपेक्ट द डिस्कशन ओवर बायलेटरल कंसर्न्स, जिनको आशा है, ये ऑफिशियल्स के लिए हु आया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, कर्ता के रूप में आता है, वैसे ऑफिशियल्स के लिए आया है, तो वो ऑफिशियल्स जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, जिनकी आशा है कि डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी बायलेटरल कंसर्न्स को लेकर, द्विपक्षीय जो चिंताएं हैं उनको लेकर, एंड जॉइंट इनिशिएटिव्स, और जो संयुक्त इनिशिएटिव जो भी हैं, कुछ भी नया उपक्रम अगर स्टार्ट कर रहे हैं उनको लेकर, विल बी स्मूथर देन दोज ओवर कंटेशियस इशू, ये अधिक आसान या स्मूथर होगा, है ना, स्मूथर डिग्री कंपेरेटिव देन आ गया। दोज ओवर, दोज किसके लिए है, ये उन मुद्दों के लिए है, है ना, दोज ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है, जब आप नाउन को रिपीट नहीं करते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल अगर हो तो उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि उन कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ा करने वाले, संघर्ष बढ़ाने वाले कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हो, तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज़ हैं उनकी तुलना में इन्वॉल्विंग अदर कंट्री, जिसमें और देश भी शामिल हैं, जैसे कि मान लीजिए बातचीत करें यूएस के संबंधों को लेकर, तो ये कंटेंशियस इश्यू है, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, भारत पाकिस्तान टेंशंस उसको लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, तो ये बातचीत कुछ अलग है, दोनों बायलेटरल जो टाइज है उस पर बात करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात करेंगे, किसी तीसरे की बात नहीं करेंगे। तो ये था आज के एडिटोरियल एंड आर्टिकल सेशन में, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा सेशन, जो वोकैबुलरी है वो आप जरूर लर्न करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।